घुसपैठिया दूसरे को घुसपुटिया घुसपैठिया कहेगा कहते हैं नाक वाले को हंस रहा है देखो नकू आ गया नकु आ गया जिनकी नाक नहीं होती ना जिनकी हंडिया में बहात्तर छेद होते हैं वही दूसरे पे हंसते हैं तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए जबान हमारे पास भी है लेकिन हम लिहाज करते क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री है हम इतनी ओची और इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते जब आप हमें भी देना आता है और संविधानिक तरीके से देना आता है बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं छह तो बहन भाई आपके थे छह आपके दादा के थे आपके जितने भाई है कोई सात बहन भाई कोई आठ बहन भाई और आप जनता को बेबकू बनाने के मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है देखिए हिंदू राष्ट्र बन दस साल में आपने

देश का प्रधानमंत्री यानी डंका फटावा डोले जो फटे जा रहा है फटे जा रहा है और बजे जा रहा है आप उनके भी प्रधानमंत्री थे जिनको आपने कहा था आप हमारी बेटी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट थी तो आपने उनको चाय पे बुलाकर अपनी बेटी बनाया था और जब आप ही के नेता ने उनका लगातार जान और तिरन तो मोदी जी ने एकदम लोहे का चश्मा लगाकर काका हमारी पास की नजर कमजोर है हमें नहीं पता आप कौन हो कि मेरा संघर्ष छह साल पुराना हो चुका है और छह साल से मेरे ख्याल से सोशल मीडिया हो या चाहे जमीनी स्तर पे बहुत ऊंची ऊपर वाले ने और आप लोगों ने मुझे पहचान दिलवाई और चुनाव से पहले आपको इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने ज्वाइन करी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है और मैं चाहती हूं कि चंद्रशेखर साहब को यहां पर मजबूत करा जाए इनके कैंडिडेट को मजबूत करा जाए और जिस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उनकी जो भीम आर्मी ने संघर्ष करा उसी की जो ये पार्टी बनी है ए अगर इसको मजबूत करना है तो हम जैसे लोग जो पहचान रखते हैं अपने समाज में पहचान रखते हैं तो अगर हम लोग के आगे इस पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद हमारे पीछे और लोग भी चलकर आएंगे देखिए लोकसभा उम्मीदवार तो उसमें कोई कबीरा तो नहीं है कि तो नहीं है हम कोई गुना करने जा रहे हैं ऐसे भारतीय और एक एक नागरिक के तौर पर ये मेरा अधिकार है कि मैं इलेक्शन फाइट करूं लेकिन हाँ मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन करी कि मैं मैंने जैसे बोला कि मैं मजबूत करना चाहती हूँ लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम भी इलेक्शन लड़ें चाहे वो चौबीस हो चाहे उसके बाद का हो लेकिन अभी तो हमारा ये कि चंद्रशेखर साहब के साथ हमारा बहुत कई सारे मूवमेंट हम साथ रहे बहुत सारे मूवमेंट हमने साथ हैंडल करे और वो भी आंदोलनकारी आंदोलनकारी हैं मैं भी हूं, जिस तरह में चंद्रशेखर हमारे साथ थे जिस तरह आपने जामा मस्जिद पर देखा तमाम जगह आपने देखा कि बहुत सारी जगह तो हमारी जो थी क्लैश होती थी चंद्रशेखर साहब के साथ मेरी होती थी या बाद में होती थी तो जिस लिहाज से वो एक आंदोलनकारी और मैं अपने समाज की एक आंदोलनकारी अगर दो लोग एक साथ हो जाएं और दो समाज एक साथ हो जाएं और मैं तो पहले ही कह रही हूं कि अगर सिर्फ भारत की अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना है और इनको इनकी कुर्सी को इनके सिंहासन को हिलाना है और मनुस्मृति को आपको रोकना है और खत्म करना है मनुवाद का आपको सफाया करना है तो सिर्फ आपने एक ही काम करना है भीम और मीम को एक साथ करना है यानी मुसलमान और दलितों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते तो हम सालों साल यहाँ पर राज करेंगे और यहाँ पे एक कामयाब दलित प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज्यादा जमीन से जुड़कर काम करेगा और वो तमाम क्वालिटी जो है वो चंद्रशेखर के अंदर मौजूद है आपको लगता है दलित और मुसलमानों को जोड़कर भारत पर राज किया जा सकता है बिल्कुल करा जा सकता है सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा मजलूम है सबसे ज्यादा वफादारी हैं यही तो सब ज्यादा सताए जाते हैं सब ज्यादा मॉब लिंचिंग या तो मुसलमान की हो रही है दलित की हो रही है आप कितनी जगह देखिए कि चंद्रशेखर साहब पहुंचते हैं भीम आरवी भी पहुंची कितनी जगह मैं खुद जाकर पहुंचती हूँ तो ज्यादातर यही होता है उस दलित को मार दिया उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी कभी गाय के नाम पर कर दी तो ये पार्टियां तो सारी की वो ये तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद पर तो फाइट कर रही है लेकिन ये जो आज़ाद समाज पार्टी है और भीम आरवी इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उनकी है कि सबको शिक्षित करा जा एक एजुकेशन पे जोर दिया जाए ये जातिवाद को खत्म करा जाए और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि हाँ हमें एहसास दिलाया जाए कि हम पर दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं है हमारा जो संविधान है वो हमने हमारा संविधान है वो इन लोगों का संविधान भीमराव अंबेडकर हमारे थे हमारे ही अपने लोगों ने संविधान लिख के दिया और आज हमारी जो स्थिति बना दी गई वो थर्ड जेंडर जैसी बना दी गई है हमें बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया जब पार्टी में किसी भी इलेक्शन होते तो पार्टी को याद आता कि दलित को साथ लेके चलो इसको हिंदू बता दो तो ये दलित नहीं हिंदू है मुसलमान को साथ लेके चल लो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए पांच साल तक लगातार आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए चाहे वो विकास पे काम हो चाहे एजुकेशन पे काम हो चाहे सुरक्षा पे काम हो तो उन तमाम चीजों का जो एक मिला जुला संगम है वो ए में नजर आता है मैम आप यहाँ पे बात कर रही हैं संविधान की लेकिन एक मिथ है लोग लो तो कि लोग क्या हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो संविधान को नहीं मानता नहीं अल्पसंख्यक भी का मुराद क्या आपका मुसलमान नहीं।, नहीं तो आपसे किसने कहा कि अल्पसंख्यक जो है मुसलमान नहीं मानता जितने भी अल्पसंख्यक नेता चुनकर आते हैं क्या वो संविधान के कसम नहीं लेते कुरान कसम लेके शरीय के कसम लेकर आते हैं ये तो एक ये कहिए कि डिवाइडेशन जो ये अंग्रेजों की ही औलादे हैं अगर आप देखें जो ये मिथ सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सअप एजेंडा वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये सारे के सारे अंग्रेजों की ही औलादे और ये जनता को बांटने के लिए तोड़ने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड करते रहते हैं और लोग बिना सो

अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है अभी आपने देखा की सुनावा मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ी निंदा की है आप इस कैसे देखते हैं देखिए घुसपैठ के दूसरे को घुसपुटिया घुसपैठिया नक्का नाक वाले को हंस रहा है कि देखो आ आ गया गया जिनकी नाक नहीं होती ना जिनकी हंडिया में बहत्तर छेद होते हैं वही दूसरे पे हंसते हैं तो जो खुद मंगल सूत्र की हिफाजत नहीं करते मोदी जी को तो पहले कोई जाकर बताया कि मंगल सूत्र का मतलब धागा नहीं होता अगर आप ये कह रहे हैं कि मंगल सूत्र का मतलब धागा होता तो बेचारे पंडित जो बेवकूफ बनते हैं और इतनी पढ़ाई करने के बाद वो साथ मंत्र पढ़ पढ़ के साथ फेरे लगवाते हैं तब कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ एक तरफ तो आप कहते हैं

तो बनाएंगे देखिए हिंदू राष्ट्र बन दस साल में आपने क्या करा घुया छीन लेते दस साल में आप आपके पास पावर थी आपके पास समाज था आपके पास पुलिस थी आपके पास जुडिशरी थी तो इन दस सालों में क्या आप घुया छीन लेते दस साल में आपको याद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है इलेक्शन से दो महीने पहले आपका बोतल का जिन वापस बाहर आता है और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आपने बनाना हो तो आप चौदह से पंद्रह में सोलह में सत्रह में अठारह में उन्नीस में बीस में इक्कीस में बाईस में तेईस में बना देते आपको चौबीस में याद आया फिर राष्ट्र बनाएंगे किसी के बाप की हिम्मत हिंदू राष्ट्र बना दे भी ट्रेलर भी था था था। नहीं नहीं वो थे जिन्होंने झूठ के जनरेटर ने धुआं फेंका और कहा दो करोड़ लोगों को जॉब दूंगा किसको जॉब मिली लाखों लाख जॉब खा गए आज मोदी जी ने कहा किसान की आय दुग्ध कर दूंगा रोज हजारों किसान खुदकुशी करके मरता पिछले साल आपने देखा किस तरह पूरा हिंदुस्तान का किसान कैसे बॉर्डर पे बैठा था जैसे मानो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया हो इंसाफ मांगने माफी दी नहीं मोदी जी कह रहे ना आप रिटर्न में दिखाई ना कहा अगर कर्ज माफी दी होती तो किसान बार -बार ना था, किसान तो अभी भी है था इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ ना ना आय दुगनी करी ना अब युवा परेशान महिला परेशान फौजी परेशान बच्चा परेशान शिक्षा महंगी कर दी जवान सब बुढ़े जवान सभी परेशान है जब आपका डंका बजा सब लोगों को खुश होना चाहिए अगर वाकई मोदी जी का डंका बज रहा होता तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े हो गए अहमद रिजी से सवाल न कर रहे होते अपना वक्त बर्बाद न कर रहे होता आप बाकी डंका पद के

नेता ने उनका लगातार यौन उत्पीड़न तो 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 मोदी ने एकदम लोहे का चश्मा कहा हमारी पास की नजर कमजोर है हमें नहीं पता आप कौन हो हम 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 में 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 जानते जानते हैं हैं ईरान पाकिस्तान अमेरिका देखेंगे लेकिन अपने इलाके में अपनी बेटी को ढाई किलोमीटर दूर नहीं देखेंगे शोधन जो संविधान में करने की बात है कि चार सौ तो पार होंगे देखिए फिर मैं कुछ बोलूंगी फिर आप लोगों बोले गए तमीज से बात करती है मुसलमान जो है बच्चे पैदा करने की मशीन है तो मोदी जी से सवाल करा जाए मोदी जी आप छह बहन भाई थे तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए जब हमारे पास भी है लेकिन हम लिहाज करते हैं हम इतनी ओची और इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते जवाब हमें भी देना आता है और संविधानिक तरीके से देना आता है बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं छह तो बहन भाई आपके थे छह आपके दादा के थे आपके जितने भाई है कोई सात बहन भाई कोई आठ बहन भाई और आप जनता

नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें